नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री टॉपिक से है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2017 में IIT जैम एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार। लेट YX बी ए सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की? MdX प्लस MdY इक्वल टू जीरो। इनिशियली डाटा हमें दिया हुआ है, इनिशियली कंडीशन हमें दी हुई है यहाँ पे y जीरो इक्वल टू वन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस वन। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि हम गिवन इक्वेशन की बात करते हैं तो गिवन इक्वेशन हमें क्या दिया हुआ है? MdX प्लस MdY इक्वल टू, हमें पूछा क्या गया है? y माइनस वन। y माइनस वन हमें कब मिलेगा? जब हमारे पास YX मीन्स सोल्यूशन हमारे पास मिलेगा, ठीक है। और सोल्यूशन निकालने के लिए आपको पता है ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, तो इसको हम जनरली एग्जैक्ट बना के ही क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यदि हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन हमारी लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है। तो यदि लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है? एक्स वाई प्लस वाई प्लस माइनस का एक्स, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। अभी जैसे मैंने पहले बोला जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सोल्व करने के लिए कई सारे टाइप्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं जो हम सोल्व कर सकते हैं। यदि हम देखें ये लीनियर इक्वेशन नहीं बन पाएगी क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट भी नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ए होमोजेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो हमारे पास एक मेथड बनता है यदि हम इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक कर लें। एग्जैक्ट है नहीं है, यदि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे वो एग्जैक्ट है नहीं है। यदि वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बनाने के लिए IF फाइंड आउट करने के आपके पास मेथड है, तो हमें IF निकालना है। वो भी आपको देखना है कि IF कौन से मेथड से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो आप। तो एग्जैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? कंडीशन डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर, यदि मैं यहाँ पे डेल एम ओवर डेल वाई निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन और इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल एन ओवर डेल एक्स, वन माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स, विच इज नॉट इक्वल। मीन्स ये क्या हो गया? नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट तो नहीं है। अभी हमें क्या करना है? इंटीग्रेटिव फैक्टर फाइंड आउट करना होगा। हमें क्या करना होगा इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए? हमें IF फाइंड आउट करना होगा, फिर IF से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बन जाएगी। एग्जैक्ट बनाने के बाद आपको सोल्यूशन निकालना आता है, ठीक है। अभी IF कैसे निकालें? जैसे मैं पहले भी बताया हूँ यहाँ पे कि IF निकालने के लिए ये होमोजेनियस नहीं है, ये FXY सेकंड टाइप भी नहीं है, थर्ड टाइप भी नहीं है। IF निकालने का हमारे पास वेरियस मेथड है, लेकिन यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें दोनों को हम माइनस करें, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है? एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, जो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, एन में हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया कि हमें IF कौन से फॉर्मूले से निकालना है। मीन्स हमें क्या निकालना है? डेल एम ओवर डेल वाई माइनस के डेल एन ओवर डेल एक्स डिवाइड बाई क्या करना है? वन बाई एन, क्योंकि ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। वन बाई एन क्या दिया हुआ है हमारे पास? एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और डेल एम क्या दिया हुआ हमारे पास? वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस ई की पावर माइनस के एक्स, ये सॉरी वन से वन कैंसिल आउट हो गया, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये भी कैंसिल आउट है, इक्वल टू क्या आ गया? वन। इसको मान लेते हैं जैसे फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब IF क्या होता है इस केस में? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। IF क्या होगा? ई की पावर FX dx, मीन्स क्या हो गया? ई की पावर वन dx, ई की पावर x। IF क्या होगा? ई की पावर x। अब क्या करना है? ई की पावर x से गिवन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। दिस द इक्वेशन, गिवन इक्वेशन सपोज a, तो IF से क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? एक्स वाई ई की पावर x प्लस वाई ई की पावर x प्लस वन dx प्लस एक्स ई की पावर x प्लस वन डी वाई इक्वल टू जीरो। अब जो इसका सोल्यूशन होता है वो आपको पता है, सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले मैं। हम पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, उसके बाद आप कर सकते हो यहाँ पे एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। एम वाई एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे, और यदि एन की बात करता हूँ तो एन में फ्री फ्रॉम दो टर्म जो हमारे जो ऐसे टर्म्स जो एक्स से फ्री है, फ्री फ्रॉम एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे यदि मैं प्लस के एक्स प्लस के वाई इक्वल टू सी, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हो, और यहाँ पे सेकंड टाइम एन में क्या आएगा? एन में ओनली वन आएगा, तो वन की जगह क्या हो जाएगा? वाई, और ये दोनों इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मिलेगा हमें, ठीक है, प्लस एक्स और प्लस वाई इक्वल टू सी। ये आप अच्छे से कर सकते हो। अब गिवन कंडीशन में क्या दिया हुआ है? कंडीशन क्या दिया हुआ है? वाई जीरो इक्वल टू
वन, वाई इज इक्वल टू वन यदि हम यहाँ पे पुट करते हैं, इज द इक्वेशन सी मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सी में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई इज इक्वल टू वन मीन्स एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई इक्वल टू वन, तो जीरो इंटू वन इंटू समथिंग ई की पावर जीरो प्लस जीरो प्लस वन इक्वल टू सी, तो सी क्या आएगा हमारे पास, वन आ गया। अब सी की वैल्यू वन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, y इक्वल टू निकालना है y x, तो मैं यहाँ से यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो y क्या आ गया, x e की पावर x प्लस वन इक्वल टू वन माइनस एक्स, और y क्या हो गया, वन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स ई की पावर x प्लस वन। अब हमें फाइनली आंसर क्या निकालना है, y माइनस वन, y माइनस वन, तो y माइनस वन क्या हो जाएगा इसी इक्वेशन की हेल्प से, y माइनस वन, x की वैल्यू माइनस वन पुट करनी है तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन ई की पावर माइनस वन प्लस के वन, यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू ई अपॉन ई माइनस, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया, टू ई मीन्स सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो इस तरह आपने यहाँ पे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा है। यदि मैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में एक बार रिपीट कर देता हूँ, जैसे ही हमारे पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो कोई क्वेश्चन आता है, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो हमें उसको सोल्व करने के लिए हमारे पास एक तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड है और दूसरा लीनियर में कन्वर्ट करके भी हम उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो हमने क्या किया, इसको एग्जैक्ट बनाया है। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें आई एफ फाइंड आउट करना है, तो आई एफ फाइंड आउट करने के आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, तो मैंने यहाँ पे डेल एम और डेल ये वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ से आइडिया लग गया हमें कि हम यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे आई एफ निकाल सकते हैं। तो आई एफ हमारे पास आ गया ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स को हमने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके आपको सोल्यूशन वाला फॉर्मूला पता है, यहाँ पे एम क्या है, एम वाई एज ए कॉन्स्टेंट है, एन क्या है, फ्री फ्रॉम एक्स, एन मीन्स ये वाला एन है और इसमें वो वाली टर्म्स लेनी है जो फ्री फ्रॉम एक्स हो। हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड मेथड से, जो मैंने यहाँ पे नहीं किया है आप उसको वहाँ पे कर सकते हो। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, यहाँ पे सी एक कॉन्स्टेंट है जो हमारे पास इनिशियली कंडीशन दी हुई है, उसकी हेल्प से यहाँ पे हम इनिशियल कंडीशन की हेल्प से यहाँ पे हम एक कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या आएगा, सी इक्वल टू वन, सी इक्वल टू वन हमने इक्वेशन सी में पुट कर दिया और हमारे पास फाइनली सोल्यूशन ये आ गया, इज द सोल्यूशन वाई एक्स। अब हमें वाई माइनस वन चाहिए, वाई माइनस टू चाहिए, वाई माइनस फाइव चाहिए, जो भी हमें चाहिए यहाँ पे हम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे y माइनस वन निकाला तो y माइनस वन फाइनली आंसर आया। मैंने सोल्यूशन कंप्लीट किया हुआ है, आगे आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। ये मैंने क्वेश्चन पूरा किया हुआ है, यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।